नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टोरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार के बारे में जानने वाले हैं जो अपने अभिनय के साथ साथ अपने निजी जिंदगी की वजह से जाने जाते हैं। उनका नाम है विनोद मेहरा। विनोद मेहरा बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक रहे हैं। भले ही वे मेनस्ट्रीम एक्टर के तौर पर खुद को स्थापित न कर पाए हो, मगर उन्होंने अपने अभिनय के दम पर खुद की एक खास जगह जरूर बनाई है। इस दुनिया में दौलत बड़ी मुश्किल से किसी के नसीब में आती है। जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है और वो गवा दिया, फिर दौलत कभी हाथ नहीं आती। उन्होंने कभी भी छोटे रोल निभाने में परहेज नहीं किया है। अपने अभिनय के जरिए कई दफा बेहद साधारण से रोल में भी उन्होंने जान डाली है। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में हुआ था। सन 1958 में उन्होंने फिल्म रागिनी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार के युवावस्था का रोल प्ले किया था। लाल पत्थर, अमर प्रेम, अनुराग, कुंवारा बाप और अर्जुन पंडित जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया था। फिल्मों के अलावा वह अपनी लव लाइफ की वजह से अधिक चर्चा में रहे। विनोद मेहरा का नाम एक थी रीटा फिल्म में एक्ट्रेस मीना ब्रोका संग चर्चा में रहा। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने अर्ली 70s में शादी भी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही विनोद मेहरा को उनका पहला हार्ट अटैक आया। विनोद तो ठीक हो गए, मगर दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई। इसके बाद विनोद मेहरा के जीवन में बिंदिया गोस्वामी आ गई। दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ा और दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। मेहरा शादीशुदा थे, इसलिए बिंदिया संग शादी नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी पहली पत्नी मीना के परिवार वाले विनोद पर बिंदिया से दूर रहने का दबाव बना रहे थे। कुछ समय तक चीज़ें लुकाछुपी में चली। इसके बाद विनोद और बिंदिया का रिलेशन बिगड़ने लगा। माना जाता है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, मगर 80s के दशक के शुरुआती दौर में विनोद की पॉपुलैरिटी कम होने लगी। इसी बीच बिंदिया की नज़दीकियाँ जेपी दत्ता संग बढ़ने लगी। इसी वजह से दोनों के रिश्ते का अंत हुआ। बिंदिया से अलग होने के बाद विनोद मेहरा के जीवन में रेखा ने एंट्री मारी। दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। दोनों एक साथ वक्त बिताने लगे। विनोद की पर्सनल लाइफ जहाँ एक तरफ पटरी पर नहीं थी, वही दूसरी तरफ रेखा भी अमिताभ बच्चन से दूर होने के बाद काफ़ी अकेली हो गई थी। आखिरकार दोनों दिल आपस में मिले और दोनों कब एक अच्छे दोस्त से हमसफर बन गए पता ही नहीं चला। दोनों के गुपचुप ढंग से शादी करने की खबरें आने लगी, मगर विनोद की माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उनके वजह से ये रिश्ता भी टूट गया। अंत में विनोद मेहरा की लाइफ में किरण नाम की लड़की आई। अपना बाकी जीवन उन्होंने किरण के साथ ही बिताया। 1990 में विनोद मेहरा को आखिरी बार हार्ट अटैक आया। इस बार वे नहीं बच सके। 30 अक्टूबर 1990 को उनका निधन हो गया। उनके अभिनय से उन्होंने अपने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। उनकी फिल्में कुछ इस प्रकार है: आतंक, इंसानियत, पत्थर के फूल, प्यार का कर्ज, हम इंतज़ार करेंगे, प्रेम प्रतिज्ञा, मिट्टी और सोना, मेरी जबान, नामुमकिन, आखिरी अदालत, फैसला, साजिश, मर मिटेंगे, प्यार की जीत, आग ही आग, औलाद, समय की धारा, जाल, आपके साथ, ऐसा प्यार कहा, संजोग, अनकही, प्यारी बहना, एक नया इतिहास, धर्म और कानून, जख्मी शेर, मेहंदी, शुभकामना, प्रेम तपस्या, नौकर बीवी का, चोर पुलिस, खुददार, बेमिसाल, साजन की सहेली, चेहरे पे चेहरा, प्यासा सावन इत्यादि फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था। बतौर निर्देशक 1993 में आई फिल्म गुरुदेव में उन्होंने काम किया था, जो उनकी मृत्यु के बाद 3 साल के बाद रिलीज हो गई थी, जो निर्देशक राज सिप्पी द्वारा पूरी की गई थी। उनकी विलंबित फिल्में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हो गई थी और उनकी स्मृति को समर्पित की गई थी।
जैसे कि पत्थर के फूल, इंसानियत, औरत औरत इत्यादि। उन्हें 1977 में अनुरोध, 1979 में अमरदीप और 1982 में बेमिसाल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्मफेयर नामांकन प्राप्त हुआ था। उन्होंने एक पंजाबी फिल्म मौजा दुबई दिया भी की थी, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा की पत्नी किरण से उन्हें दो बच्चे हुए, जिनका नाम सोनिया मेहरा और रोहन मेहरा है। दोनों ने भी बॉलीवुड में प्रवेश किया है। सोनिया ने 2007 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से शुरुआत की, जो 1972 की क्लासिकल फिल्म की रिमेक थी। रोहन ने निखिल आडवाणी की फिल्म बाजार से अपने करियर की शुरुआत की थी। विनोद मेहरा अपने जीवन में 100 से भी अधिक फिल्मों में काम करते हुए अपने निजी जिंदगी में हुए उतार चढ़ाव के कारण हमेशा प्रसिद्ध रहते थे। दर्शक हमेशा उनके कला क्षेत्र में दिए हुए योगदान के लिए उन्हें याद रखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।